स्वागत करती हूँ आपका डेली न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिक्षा विभाग की ओर से 1 मई को प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने SS न्यूज को दी। हमारे द्वारा सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को, ADRC को और न्याय पंचायत उनको एक पत्र द्वारा मैसेज भेजा गया है कि जितने भी नए सत्र में अब तक एडमिशन हुए हैं 30 अप्रैल तक, सारे बच्चों को विद्यालय में बुलाएं और 1 मई को इस कार्यक्रम के रूप में प्रवेश उत्सव के रूप में कार्यक्रम का आयोजन करें और नए बच्चों को जो पुराने छात्र छात्राएं हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएं और उनको मतलब कोई गिफ्ट या कुछ इस तरह से करके बच्चों को मोटिवेट करें और अपने जो क्लास हैं उनके बारे में बताएं कि आपको अच्छा इसमें एक में पढ़ना, वो अच्छा छह में पढ़ना है, तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें। इसी क्रम में हम लोग एक प्रवेश उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया गया है जो सारे स्कूलों में मनाया जाएगा। इसके लिए सारे DRC, ADRC और न्याय पंचायत समन्वयक जितने हैं सबको जिम्मेदारी दी गई है, कम से कम 3 दिन विद्यालय पर जाकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके फोटोग्राफ हमारे यहाँ भेजेंगे। क्या मकसद है सर इसका उद्देश्य हमारे यहाँ कि जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके मन में किसी प्रकार की कोई भय डर या किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, और जो पुराने छात्र हैं उनसे भी हम लोग मिलें और उस विद्यालय के माहौल से परिचित हों। इसके लिए हमारा मतलब यही उद्देश्य है कि इस तरह से बच्चे अपने मतलब आने वाले जो स्कूल आने के लिए प्रेरित हों और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। स्कूल चलो अभियान में कहाँ तक सफलता मिली है? स्कूल चलो अभियान में अभी तो लगभग करीब 60-70% के आसपास सफलता मिली है, क्योंकि इस समय कुछ काम का सीजन है इसलिए एडमिशन में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है और 20 मई तक जो हम लोगों का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा और काफ़ी एडमिशन हो जाएंगे। कोई अपील करना चाहेंगे इस विषय में? इसमें ज़्यादा बात जितनी भी ग्रामीण और जो अपने नवागत बच्चों के अभिभावक लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चे को प्रवेश स्कूलों में दिलाएं और पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय भेजें और जो सरकार की जो व्यवस्था है उसका